हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जस्ट वेल क्लासेस में। और आज आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही ज्यादा दमदार इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, यानी बहुत ही कम समय में आपका सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़ सके और जुड़ करके तैयारी शुरू कर सके, ठीक है ना। तो फटाफट क्या करो, सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, तब आगे की तरफ बढ़ते और जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए वो कौन कौन से डायग्राम है जिनको बढ़िया तरीके से तैयार करना ही करना है। तो आइए ज्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दे, आज ऐसे डायग्राम आपको बताने वाले और तरीके भी बताएंगे कि किस तरीके से बनाना है, और इतना इजी वे में बताएंगे कि आप चुटकी में बना लोगे बट पछतावा नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो आपको एग्जाम में पछताना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं देखोगे तो बोर्ड के एग्जाम में पछताना पड़ सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है पुष्प की संरचना। आपको इस तरीके से फ्लावर का स्ट्रक्चर बना। कुछ बच्चे सोचेंगे मैम क्या कलर करना है? नहीं, आपको बोर्ड के एग्जाम में कलर नहीं करना। अगर टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। आप पेंसिल से बना दो हो जाएगा, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है। अब ये पुष्प का डायग्राम कैसे बनाए, कोई ईजी तरीका? जी बिल्कुल, हम आपको एकदम आसान तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से मादा भाग बना लेना है, इसके चारों तरफ इस तरीके से नर भाग, मादा भाग के ठीक नीचे पुष्पासन, पुष्पासन से लगा हुआ ये पत्तियां, फिर इससे लगा हुआ आपका ये रंगीन पत्तियां। अब करो नामकरण। सबसे पहले इस भाग को कहते हैं पुष्पासन, ये दंती कहलाता है पुष्पवृंत, ये बाह्यदल, ये आपका दल, ये परागकोष, परागकोष नहीं आप पुमंग लिख दो, पूरा भाग, ये जाया, और ये कहलाता है दल, ये बाह्यदल। और इस तरीके से एक आवृत बीजी पुष्प की संरचना कंप्लीट हो गई। तो दल बाह्यदल यहां पर हो गया था, वापस से हम लिख दिया। आप एक चीज को दो बार लिख दोगे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो चुका, पुष्प की संरचना बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत समस्या? एक बार बताइए सबको यहां तक क्लियर है? यस मैम, ओके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब आगे देखते हैं आगे कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए निकल कर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है लघु बीजाणुधानी का चित्र, ठीक है। आपको लघु बीजाणुधानी का कुछ इस प्रकार से चित्र बनाना है जिसमें चारों परत होने चाहिए, लघु बीजाणु धानी होने चाहिए। अब बोर्ड के एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो याद रखना सबसे पहले आपको इस तरीके से चार कोनों वाला, चारों कोनों में एक एक इस तरीके से, फिर आपको चारों के चारों लेयर बनाने हैं, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। अब नामकरण, सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं बाह्य परत, उसके बाद वाला अंतः परत, उसके बाद वाला मध्य परत, और सबसे अंतिम वाला जो परत है उसे कहते हैं टेपिटम। ये सबसे महत्वपूर्ण परत है, और ये आपका लघु बीजाणु धानी।
तो ये आपका कंप्लीट लघु बीजाणु धानी की संरचना में आपको इस तरीके से अपना डायग्राम कंप्लीट करना है। चारों के चारों परत होने चाहिए और लघु बीजाणु धानी होनी चाहिए। ये भी आपको हमें लग रहा है लगभग हर एक बच्चे को क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे पराग कण का संरचना। पराग कण जो हमारा लघु बीजाणु धानी था उसके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, वही लघु बीजाणु पराग कण कहलाता है। तो पराग कण का संरचना कुछ इस प्रकार से है। आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। उस सर्कल के ऊपर इस तरीके से एक लेयर बनाइएगा, बीच बीच में खाली जगह कर देना और अंदर में इस तरीके से दो भाग। अब नामकरण करते हैं, ये कहलाता है बाह्य चोल। सबसे बाहरी परत बाह्य चोल, उसके अंदर वाली लेयर को कहते हैं अंतः चोल। जो जगह खाली है इसे कहा जाता है जनन छिद्र। अंदर में जो बड़ी कोशिका है इसे कहते हैं कायिक कोशिका। इसके अंदर जो केंद्रक है इसे कहते हैं कायिक केंद्रक। छोटी वाली कोशिका कहलाती है जनन कोशिका और इसके अंदर दो नर युग्मक पाए जाते हैं। ये क्या है, नर युग्मक। इस तरीके से ये भी क्या हो चुका, कंप्लीट। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। मादा भाग में अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। ये बीजांड कैसा है तो इसको देखो, बीजांड कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और बीजांड के मध्य में पाया जाता है भ्रूण कोश। इस तरीके से संरचना बनाना है। अब नाम करेंगे, ये है बीजांड वृंत, ये हाइलम, ये बाह्य अध्यावरण, ये अंतः अध्यावरण, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं बीजांड काय। ये है भ्रूण कोश, ये दरवाजा कहलाता है बीजांड द्वार, ये कहलाता है निभा। इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका क्या है, है भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन, यानी भ्रूण कोश की संरचना। बीजांड के अंदर एक थैली नुमा संरचना पाया जाता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाया जाता है। तो इसके संरचना कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इस तरीके से थैली बनाना है, 3 कोशिका ऊपर की तरफ, 3 कोशिका नीचे, जिसमें एक बड़ा रखना, 2 छोटा और 1 कोशिका बीच में। सबके पास एक एक केंद्रक कर देना, बीच वाले के पास 2 केंद्रक होता है। अब नामकरण, ऊपर की तीनों कोशिका को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। बीच की कोशिका द्वितीय केंद्रक और इसे को ध्रुवीय कोशिका भी कहा जाता है। और नीचे की तीनों कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। जिसमें से ये बीच वाली कोशिका अंड कोशिका कहलाती है और अगल बगल की दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ये हो गया डन, ये हो गया क्या आपका, डन हो गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला नर जनन तंत्र की संरचना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका स्ट्रक्चर जो आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। इसको सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे पहले देखो इस तरीके से थैली बनाना,
इसमें से नली निकाल देना, यहां पर इस तरीके से, ये ऐसे, यहां तक क्लियर। उसके बाद ठीक है, ये शुक्राशय है, यहां पर आ जाओ, पतला पतला, ठीक है, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट। अब नामकरण करना है सिर्फ, देखो ये है आपका मूत्राशय, ये शुक्राशय, ये प्रोस्टेट, और ये है बल्बो यूरेथर। बल्बो यूरेथर को हम लोग काउपर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बल्बो यूरेथर को हम लोग क्या कहते हैं, काउपर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है ये है शुक्रवाहिनी, उसके बाद ये मूत्र नलिका, ये शिश्न, ये शिश्न मुंड, ये शिश्न छिद्र, ठीक है, ये है आपका वृषण। चलो लगभग आपका सारा हो गया, ठीक है। ये आपको इस तरीके से फिगर बनाना है और नामकरण भी करना होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या है, वृषण का अनुप्रस्थ काट, वृषण की संरचना, ठीक है। वृषण को काटने पर, इस तरीके से वृषण को काट देंगे तो इसमें इस तरीके से पालियां पाई जाती हैं। ये वृषण पालिका है, हर पाली में नलिका होती है, इसे शुक्रजनक नलिकाएं कहती है, दो से तीन नलिका होती है। ये नलिका एक जगह खुलती है जिसे वृषण जालक कहते हैं, ये जाल एक नलिका बनाता है और ये इसको हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं, और ये बाहर की तरफ खुलता है, इसे अधिवृषण कहते हैं। तो ये क्या है, एक अनुप्रस्थ काट की संरचना है जो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अगला डायग्राम स्त्री का जनन अंग, ठीक है, स्त्री जनन अंग देखेंगे आप। स्त्री जनन तंत्र कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से गर्भाशय ड्रॉ करना है, गर्भाशय के नीचे गर्भाशय ग्रीवा और ग्रीवा के नीचे योनि, यहां से आप इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब लगाओगे, ठीक है। अब नामकरण कर देते हैं, ये योनि, गर्भाशय ग्रीवा, ये अंडाशय, उंगली नुमा संरचना को झालर कहते हैं, कीप जैसी संरचना को कीपक कहते हैं, सबसे चौड़ा भाग एम्पुला कहलाता है, ये स्थमस है, ठीक है, इसे गर्भाशय कहते हैं, इसे फैलोपियन ट्यूब, ये पूरी संरचना फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। और इस तरीके से ये हो गया आपका कंप्लीट। तो पार्ट वन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको बताए, लगभग कितने डायग्राम्स हम लोग ने एक वीडियो में देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 डायग्राम हमने कवर किया। दो डायग्राम और बचा है जो इंपॉर्टेंट है, नवा है अंडाशय का चित्र। अंडाशय का चित्र कुछ इस प्रकार से आपको बनाना होगा, ठीक है, अंडाशय देखो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रुधिर वाहिनियां होती है इस तरीके से, फिर आपका ये छोटे छोटे अंडजाड़ कोशिका, फिर इन पर एक प्राथमिक पुटक, ये द्वितीयक पुटक, ये तृतीयक पुटक, और ये होता है आपका क्या, चौथा पुटक, जिसमें ग्राफियम फॉलिकल, जिसमें से अंडा क्या होता है बाहर की तरफ निकलता है। उसके बाद ये कार्पस लूटियम, ठीक है, इस तरीके से संरचना पूरा बना हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियम फॉलिकल, ओवम बाहर निकल गया, फिर ये आपका कार्पस लूटियम, ये संरचना आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट संरचना है, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। चलो लिख देते हैं, रुधिर वाहिनियां,
अंडजन कोशिका, ये प्राथमिक पुटक, ये द्वितीयक पुटक, ये तृतीयक पुटक, ये ग्राफियन पुटक, ठीक है, ये आपका टूट रहा है यहां से, कार्पस लूटियम। ठीक है, ये दोनों, ये आपका पूरा संरचना कंप्लीट। ठीक है, अंडाशय की संरचना ये याद रखना है, और ये आपका 10वां डायग्राम है, अंडाणु की, सॉरी शुक्राणु की संरचना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु का स्ट्रक्चर हर एक बच्चे को आना चाहिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस तरीके से मुंह, फिर ग्रीवा, फिर मध्य भाग, और फिर इससे निकलता हुआ पूंछ। ये एक्रोसोम, आनुवांशिक पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पूंछ, ये जाकर अब कंप्लीट, ये है ग्रीवा। ठीक है, इस तरीके से शुक्राणु की संरचना आपको बनानी है। तो इस वीडियो में हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 डायग्राम्स बताए, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक बच्चे को इन डायग्राम्स को कवर करना है, बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी बोर्ड परीक्षा में आने वाले 10 महत्वपूर्ण डायग्राम्स के बारे में पता चल सके। और आप लोग कम से कम एक दिन में एक बार इन डायग्राम्स को जरूर क्या किया करो, रिवाइज किया करो। कभी भी खाली पेज कॉपी दिखे तो डायग्राम्स को बना करके प्रैक्टिस जरूर करिए, समय का सदुपयोग करिए। कम समय बचा है परीक्षा में, हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।